सिंदूर में मिला के उसको लगाना चाहिए। आओ भैया 20 रुपए का प्रसाद है, केवल 20 रुपए का, 20 रुपए का। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो हम लोग गंगा स्नान के बाद अब निकल चुके हैं मनसा देवी टेंपल के लिए, और वो भी पैदल। तो अभी हम लोग नज़ारों का लुफ्त उठाते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मौसम हो रखा है काफ़ी ऑसम, और हल्की हल्की बारिश के साथ हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो चलो चलते हैं, माता रानी का नाम लेते हुए। जय माता दी। भाई मनसा देवी की चढ़ाई है, आप दो प्रकार से आ सकते हो यहाँ पे, एक तो उड़न खटोले की मदद से और एक पैदल। लास्ट टाइम तो हम उड़न खटोले से आए थे, इस बार अब पैदल जा रहे हैं। घूम अब देखो, धुंध बहुत तेज हो रखी है। बाप, ये सोचो गर्मी वाली जगह है और यहाँ पे ऐसा हो रखा है। बारिश हल्की हल्की हो रही है, इसलिए हमें लग रहा है हम लोग चढ़ भी पा रहे हैं, नहीं तो हालत ख़राब हो गई होती। क्यों ठीक लग रहा है उतना बहुत? हाँ, मतलब दो मेथड से आप आ सकते हो। एक तो बताते हैं आधे घंटे में लेकिन पहुँचे भी 40-45। हाँ, 40-45 मिनट में आराम से पहुँच जाओगे। सुस्ताते भाई, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम आ गए माँ के द्वार। आओ ना आगे। बहुत भीड़ है माता रानी के टेंपल में, बहुत ज़्यादा। अब देखो मौसम, देखो वो दिख ही नहीं रहा है पहाड़। तो अभी हम लोग सीढ़ियों से आए थे, अब हम लोग वापस पैदल जाने वाले हैं। आप इससे भी आ सकते हो ना, इसका अलग ही एक्सपीरियंस है, मज़ा बहुत आता है इसमें भी। तो आपको नीचे से ही मिल जाएगा, 500 रुपीज़ इसकी टिकट है, आप नीचे काउंटर से ले सकते हो। चलो, बारिश हो रही है तो मौसम अच्छा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये चीज़ धूप निकली होती ना हालत ख़राब हो जाती, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। हम लोग होटल से 7 बजे निकले थे और गंगा स्नान भी कर लिया, दर्शन भी कर लिया, और फिलहाल अभी 9:30 बजे हैं। मतलब 2-2.5 घंटे में आप आराम से कर सकते हो सारी चीज़ें। भाई अभी रास्ते में आ रहे थे, बबता को बंदर ने पकड़ लिया था फिर।
जो जितना डरेगा बंदर उससे उतना ही प्यार करेगा। जय। फाइनली नीचे पहुंच गए। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए नीचे और अब जा रहे हैं अपने होटल रूम में। काफ़ी थकावट हो चुकी है तो थोड़ा आराम करते हैं एंड देन हमारी यहाँ से शाम की ट्रेन है, फिर हम निकलेंगे अगले डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए आप हमारी व्लॉग पे बने रहो और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। जहाँ भी रहो मस्त रहो।